दिसंबर 2023 में रिलीज होने वाली मूवीज की बात करने वाले हैं। फर्स्ट नंबर पे है एनिमल, जो कि मास एक्शन मूवी होने वाली है। ट्रेलर ऐसा बना हो कि चार लोग उसे 10 बार देखे फिर भी वही वाली वाइब आए। जोरदार एक्शन से भरा हुआ है और स्टोरी नहीं दिखाई गई है। लीड रोल में है रणबीर कपूर, अनिल कपूर, बॉबी देओल, रश्मिका मदान और ये मूवी 1 दिसंबर को रिलीज हो चुकी है। सेकंड नंबर पे है श्याम बहादुर, जो कि हिंदी लैंग्वेज बायोपिक होने वाली है। देशभक्ति वाली मूवी होगी तो फ्री में तारीफ मिल ही जाएगी, ऐसी मूवी नहीं है। पर विक्की कौशल की एक्टिंग, डायलॉग और फिल्म की एडिटिंग से काफी धमाकेदार लग रही है। लीड रोल में है विक्की कौशल, फातिमा सना शेख, सानिया मल्होत्रा और ये मूवी भी 1 दिसंबर को रिलीज हो चुकी है। थर्ड नंबर पे है डंकी। इस फिल्म में सस्पेंस है, थ्रिलर है, कॉमेडी है, क्या है कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ये फिल्म डायरेक्ट करी है राजकुमार हिरानी ने, जो कि डिफरेंट टॉपिक्स पर फिल्म बनाते हैं। और इसमें भी वही है, टीजर में कहानी बिल्कुल रिवील नहीं की गई है कि क्या है, और थिएटर्स के लिए उसे छोड़ दिया गया है। आपको थिएटर्स में ही जाके देखना पड़ेगा कि क्या है। लीड रोल में है शाहरुख खान, तापसी पन्नू और विक्की कौशल। ये मूवी 22 दिसंबर को रिलीज होने वाली है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।